हेलो एवरीवन, आई एम से प्रवीण एंड वेलकम टू द माय चैनल। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए तंदूरी स्टफ मशरूम की रेसिपी। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। हमने सबसे पहले इसके लिए आए बटन मशरूम। मशरूम को सबसे पहले हमें स्टॉक निकाल देना है इस तरीके से। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो अभी हमें इसमें से स्कूपर की हेल्प से स्कूप कर देना है मशरूम को अच्छी तरीके से। अंदर के पार्ट यानी जिल्ज को स्कूपर की मदद से निकालना है। अब हम इसकी स्टफिंग के लिए लेंगे 100 ग्राम मशरूम और उसे अच्छे से चॉप करना है, रफली चॉप। रफली चॉप करने के बाद में हम लेंगे एक पैन। पैन में हमने लिया थोड़ा सा ऑयल। अब उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा क्यूमिन, चॉप गार्लिक और चॉप जिंजर। इसे अच्छी तरह से भूनना है। जब भून ले तो हम इसमें ऐड करेंगे चॉप ग्रीन चिल्ली। चॉप ग्रीन चिल्ली भूनने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे जो हमारा स्टफिंग का कलर रहेगा येलो उसके लिए। अब हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जो हमने चॉप किया था मशरूम उसको ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से भूनने के बाद में हम इसमें डालेंगे नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला। अब इसे हम साइड में रख देंगे। फिर ठंडा होने के बाद में हम इसमें डालेंगे चीज़ ग्रेट किया हुआ जो हमारे मशरूम की स्टफिंग को काफ़ी अच्छा टेक्स्चर देगा। इस तरह से हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद में हमें मशरूम को जिसको हमने स्कूप किया था उसमें हम इस तरह से स्टफ कर लेंगे। इस तरह से हमें एक एक करके सारे मशरूम स्टफ कर लेने हैं। स्टफ होने के बाद में हम इसे अपने सरिये में लगाएंगे इस तरह से। एक एक करके हमें सरिये में लगाना है। अब हम इस पर रेड मेडिसिन लगाएंगे इस तरीके से। रेड मेडिसिन लगाने के बाद अब हम इसे तंदूर में रोस्ट कर लेंगे इस तरीके से। हमें रोस्ट करने के लिए रखना है 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी प्लेटिंग रेडी कर देंगे। और ये लीजिए, ये हमारा रेडी हो गया है तंदूरी स्टफ मशरूम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।